नेता राहुल गांधी गुरुवार को मंगलुरु में रैली को संबोधित करेंगे। वे यहाँ रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा वे उडुपी जिले के उजिला में मछुआरों से बातचीत करेंगे। कोप निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार सोराके ने बताया कि उडुपी में कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम उजिला महालक्ष्मी मंदिर के शालिनी जी शंकर सभागार में होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रविवार को हुबली पहुंचे थे। वहीं यहां से बागलकोट गए, जहां 12वीं शताब्दी के कवि और समाज सुधारक बसवेश्वर की जयंती पर कुद्दाल संगम में शामिल हुए। इस समारोह के बाद राहुल विजयपुरा में जनसंपर्क के लिए रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है, जो हर काम का 40% कमीशन लेती है। इससे पहले कांग्रेस नेता 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक गए थे। यहां कोलार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने कहा था कि सवाल पूछने पर मोदी सांसदी छीन ली, लेकिन मैं अब भी पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।